इंडिया कुकिंग क्लासेस, माय नेम इज रोहिणी। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बोला था, मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे आइसिंग के कई फ्री सेशंस लाने वाली हूँ। वो सेशन मैं आज से स्टार्ट करने वाली हूँ। उसके फर्स्ट सेशन में हम देखेंगे केक के लिए जो बेसिक सामान लगता है वो, और उसका यूज क्या है। आइसिंग केक बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है केक का बेस। केक का बेस अलग अलग टाइप से बनाया जाता है। अगर हमें बेकरी स्टाइल केक बनाना है तो उसके लिए हमें जो मार्केट में रेडी प्रीमिक्स मिलता है उसका यूज करना पड़ता है। केक के जो मेन बेस है वो टू टाइप्स के रहते हैं, एक वेनिला बेस और दूसरा चॉकलेट बेस। केक मटेरियल के शॉप में ये जो प्रीमिक्स है वो हमें हाफ के जी, 1 kg, 5 kg ऐसे पैक्स में मिलते हैं। आपको अगर केक के ऑर्डर्स लेने हैं तो आपको जो 5 kg का पैक है वो सस्ता पड़ेगा। ये जो प्रीमिक्स है ये एगलेस है। मार्केट में बेकर्स विले, प्रिस्टीन, पिल्सबेरी ऐसे अलग अलग कंपनियों के प्रीमिक्स अवेलेबल है। आप अच्छे कंपनी का प्रीमिक्स यूज करोगे तो केक का रिजल्ट भी अच्छा आएगा, और इन्हें आप इजी ऑनलाइन भी मंगा सकते हो। इनमें हमें सिर्फ तेल और पानी ऐड करना होता है। परफेक्ट स्पॉन्ज रेडी करने के लिए कितना रेशियो लेना है प्रीमिक्स का, तेल का, पानी का, वो जैसे जैसे मेरे सेशन आगे बढ़ेंगे मैं आपको बताऊंगी। मार्केट में अलग अलग शेप्स के, साइज के टिन्स मिलते हैं। स्क्वायर टिन्स, राउंड टिन्स, रेक्टेंगल टिन्स। ये टिन्स अलग अलग साइज के होते हैं, 6 इंच, 7 इंच, 8 इंच। ये मेरे पास स्क्वायर टिन्स है। ये जो टीन है वो डॉल केक बनाने के लिए यूज होता है। ये मेरे पास कुछ राउंड टीन्स है अलग अलग साइज के, 6 इंच, 7 इंच, 8 इंच। हाफ के जी, 1 kg केक बनाने के लिए कौन सा टीन यूज करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। केक के लिए जो हम क्रीम यूज करेंगे, व्हिपिंग क्रीम, वो फेंटने के लिए हमारे पास ये इलेक्ट्रिक बीटर होना बहुत जरूरी है। मार्केट में अलग अलग कंपनियों के बीटर मिलते हैं, लेकिन आप अच्छे क्वालिटी का बीटर यूज करो तो उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। और केक का क्रीम फेंटने के लिए कम से कम 300 से 400 वाट का बीटर जरूरी है। मेरे पास ये प्रेस्टीज कंपनी का बीटर है। मार्केट में फिलिप्स, क्रोमा ऐसे अलग अलग कंपनियों के बीटर मिलते हैं, लेकिन ध्यान में रखिए इलेक्ट्रिक बीटर जो है वो 300 से 400 वाट का होना चाहिए। मेरा ये बीटर 300 वाट का है, प्रेस्टीज का। नेक्स्ट है व्हिपिंग क्रीम। आइसिंग केक बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है व्हिपिंग क्रीम। इस पे लिखा होता है व्हिप टॉपिंग या व्हिपिंग क्रीम, ऐसे लिखा होता है ये बॉक्स पे। हमें यही क्रीम यूज करना है। मार्केट में अलग अलग कंपनियों का व्हिपिंग क्रीम मिलता है। आपके एरिया में जो अवेलेबल है वो आप ले सकते हो। आप अच्छे क्वालिटी का व्हिपिंग क्रीम यूज कीजिए तो आपके केक का रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा, क्रीम का फिनिशिंग अच्छा आएगा और टेस्ट भी अच्छा आएगा। मार्केट में अलग अलग ब्रांड के क्रीम मिलते हैं, डिलाइट प्लस, डिलाइट, रिच गोल्ड, ट्रॉपिलाइट प्रीमियम, फियोना, क्रीम बेल। ऐसे जो कंपनियों के क्रीम है वो बहुत अच्छा टेक्सचर आता है उनका, और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है केक में। ये व्हिपिंग क्रीम के साथ जब हम काम करते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, मतलब क्रीम मेल्ट होती है, फिनिशिंग अच्छा नहीं आता है। ये क्रीम प्रॉपर तरीके से कैसे फेंटना है, इसको कैसे स्टोर करना है, केक बनाते समय इसको कैसे यूज करना है, उसका मैं आपके लिए एक सेपरेट सेशन लेके आऊंगी। केक का बेस जब हम बनाते हैं तो प्रीमिक्स मेजर करने के लिए हमें लगता है वेविंग स्केल। कप्स का यूज करके भी बेस बनाया जाता है, लेकिन मैं ग्राम्स में बनाती हूँ, तो मैं आपको ये सेशन में ग्राम्स में बताऊंगी। क्योंकि ग्राम्स में जब हम बनाते हैं मेजर करके केक का बेस, तो वो परफेक्ट रेडी होता है। नेक्स्ट है क्रश। केक अलग अलग फ्लेवर्स के बनाए जाते हैं। अलग अलग फ्लेवर्स के केक बनाने के लिए हमें क्रश का यूज करना पड़ता है। मार्केट में ऐसे ये क्रश रेडी मिलते हैं, मिक्स फ्रूट क्रश। अगर हमें मिक्स फ्रूट केक बनाना है तो हमें उसमें ये मिक्स फ्रूट क्रश ऐड करना होता है। मार्केट में ऐसे अलग अलग ब्रांड के अलग अलग फ्लेवर्स के क्रश अवेलेबल रहते हैं। नेक्स्ट है कलर्स। मार्केट में अलग अलग टाइप के कलर्स मिलते हैं। मेरे पास जो है मैं आपको बताती हूँ ये कौन से कलर्स है और इनको कैसे यूज करना है, ये कैसे होते हैं। ये है जेल कलर। ये जो जेल कलर है वो थिक होते हैं
और ये जो है वो डार्क शेड में रहते हैं, जो जेल कलर है वो डार्क शेड में रहते हैं। तो हम क्रीम में डालते हैं वो जेल कलर को, तो क्रीम पतली होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो हमें जो जेल कलर है वो यूज करना है। नेक्स्ट मेरे पास ये कलर मिस्ट कंपनी के कलर है, ये लिक्विड कलर है। फिर भी ये ठीक है, तो आपको अगर लिक्विड कलर यूज करना है तो आप ये कलर मिस्ट के यूज कर सकते हो। ये 50 रुपीज का एक बॉटल मिलता है। ये भी लिक्विड कलर है, ये 20 रुपीज का बॉटल आता है। लेकिन ये जो कलर है वो लाइट शेड में है, ये पतले होते हैं और इनका शेड लाइट रहता है। अगर डार्क शेड लाना है तो इन्हें ज़्यादा मात्रा में यूज़ करना पड़ता है। ये ज़्यादा यूज़ करने से क्रीम पतली होने के और क्रीम जो है कड़वी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट है इसेंस। केक में फ्लेवर लाने के लिए इसेंस का यूज होता है। मार्केट में अलग अलग टाइप के इसेंस मिलते हैं, पाइनएप्पल, मावा, ऑरेंज, रसमलाई, ऐसे अलग अलग फ्लेवर्स के इसेंस मार्केट में अवेलेबल है। ये जो बॉटल है उसकी प्राइस 30 रुपीज है। ये इमल्शन, इमल्शन का मतलब है उसमें इसेंस और कलर एक साथ ऐड होता है। ये मेरे पास कलर मिस्ट कंपनी का ऑरेंज इमल्शन है। इसमें ऑरेंज कलर और ऑरेंज इसेंस एक साथ है, उसमें अलग से कुछ कलर वगैरह डालने की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट है ड्रिपिंग कलर। ये यहाँ से ऐसे कलर को ड्रिप करना होता है। केक के साइड में हमें जब कलर ड्रिप करना रहता है, जैसे यहाँ दिखाया है, उसके लिए ये टाइप के जो कलर है वो यूज किए जाते हैं। इसका प्राइस 180 रुपीज से 200 रुपीज तक ये मिलते हैं। ये डस्टिंग कलर है, ये पाउडर फॉर्म में होते हैं। ये जो कलर है उसे क्रीम में मिक्स नहीं किया जाता है, उसे डिजाइन बनाने के बाद उसके ऊपर से हम इसे डस्ट कर सकते हैं। ये ज़्यादातर फ्लावर्स में वगैरह डस्टिंग के लिए यूज होते हैं। ये डस्टिंग कलर सिल्वर, गोल्ड, ऐसे अलग अलग शेड में अवेलेबल है। ये पाउडर डस्टिंग कलर आपको 180 टू 200 रुपीज तक मिल जाएंगे। मेरे आगे के सेशंस में ये सारे मैं आपको यूज करके दिखाऊंगी। बहुत लोगों को जेल कलर, लिक्विड कलर और इमल्शन इनमें कन्फ्यूजन रहता है, तो मैं ये कन्फ्यूजन आपका दूर कर देती हूँ। इनमें क्या क्या फ़र्क है ये मैं आपको एक प्लेट में एक डाल के दिखाती हूँ ड्रॉप। ये मेरे पास जेल कलर है, देखिए ये कितना थिक है और इनका शेड भी बहुत डार्क रहता है, मतलब हम एक दो ड्रॉप यूज़ करते हैं तो भी काफ़ी है। मेरे पास ये कलर मिस्ट कंपनी का लिक्विड कलर है। ये कलर ज़्यादा लिक्विडी नहीं है, थोड़ा थिक होता है। अगर आपको जेल कलर नहीं यूज़ करना है तो आप कलर मिस्ट के लिक्विड कलर भी यूज़ कर सकते हो। ये शेड में भी डार्क शेड देते हैं, देख सकते हैं आप, ये ज़्यादा पतले नहीं है, लिक्विड कलर है फिर भी थोड़े थिक है। ये भी मेरे पास एक लिक्विड कलर है, ये 20 रुपीज का बॉटल है। मैं आपको इसके ड्रॉप डाल के दिखाती हूँ। देखिए ये लिक्विड कलर है फिर भी कितना पतला है। अगर आप इसको क्रीम में यूज़ करोगे तो क्रीम पतली हो जाएगी। यहाँ पे मैंने आपको दो लिक्विड कलर दिखाए हैं, लेकिन आप देख सकते हो दोनों में कितना फ़र्क है। तो अब ये जो पतला वाला लिक्विड कलर है वो अवॉइड कीजिए, मत यूज़ कीजिए। ये मेरे पास है ऑरेंज इमल्शन, मतलब इसमें ऑरेंज कलर और ऑरेंज इसेंस दोनों एक साथ ही है, तो हमें अलग कलर और अलग से इसेंस डालने की ज़रूरत नहीं होती है अगर हम इमल्शन यूज़ करते हैं तो। केक में इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, केक में सिर्फ कलर और इसेंस का ही ज़्यादा यूज़ होता है। ये मेरे पास ब्राउन ड्रिपिंग है, इसे क्रीम में नहीं मिक्स करना है, तो इसे हम केक को आइसिंग करने के बाद उसके ऊपर डायरेक्ट ड्रिप कर सकते हैं। ये थोड़ा सा कॉस्टली जाता है। मेरे सेशन में मैं आपको आर्टिफिशियल ड्रिपिंग कैसे बनाना है वो दिखाऊंगी। अभी मैं आपको ये थोड़ा ड्रिप करके दिखाती हूँ। ये है डस्टिंग कलर, ये पाउडर फॉर्म में होते हैं। इन्हें हमें सिर्फ डिज़ाइन के ऊपर से डस्ट करना होता है। ये कैसे होते मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मैंने आपको कलर्स के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो दी है। मेरे आगे के सेशंस में मैं आपको इसे कैसे यूज़ करना है केक के लिए वो बताऊंगी।
केक को डेकोरेट करने के लिए मार्केट में ऐसे अलग अलग टाइप के स्प्रिंकल्स मिलते हैं। ये चेरीज है, ये रोज पेटल्स है, ड्राई रोज पेटल्स, ये सब कुछ हमें रेडीमेड मिल जाता है। ये पैकेट 40-50 रुपीस तक आपको मिल जाएगा। ये है एडिबल फोटो प्रिंट। अगर हमें फोटो केक बनाना है तो हमें ऐसे एडिबल फोटो प्रिंट की जरूरत होती है। ये हमें केक मेटल के शॉप में इजी मिलती है। हमें जो भी फोटो प्रिंट चाहिए हमें उन्हें बोलना पड़ता है, तो उनके पास एक प्रिंटर रहता है, उससे वो निकाल के देते हैं। हमें जिस भी साइज की चाहिए वो उनके पास अवेलेबल रहती है। केक के ऊपर लगाने के लिए, केक को डेकोरेट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल है। आपको जैसा चाहिए आप खरीद सकते हो। केक कटिंग के लिए ऐसे उड़न का, प्लास्टिक का अलग अलग नाइफ रहते हैं। सब हमें 10-20 रुपीस तक मिल जाता है। डॉल केक बनाने के लिए ऐसे जो अलग अलग डॉल्स मिलते हैं उनका यूज हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है जेल। यह है न्यूट्रल जेल। ये केक में जेल केक बनाते समय यूज होता है। इससे हम आर्टिफिशियल ड्रिपिंग भी बना सकते हैं। इसे कैसे यूज करना है वो मैं आपको आगे के सेशंस में बताऊंगी, जैसे जैसे मैं डिजाइन बनाऊंगी वैसे वैसे। ये से ट्रांसपेरेंट रहता है। ये मार्केट में हर एक ब्रांड का मिलता है, आप इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हो। यह है चॉकलेट न्यूट्रल जेल। ये भी ऐसे रेडीमेड मार्केट में मिलता है। इसे हमें रूम टेम्परेचर पर ही स्टोर करना होता है। ये प्लेन न्यूट्रल जेल यूज करके भी हम चॉकलेट न्यूट्रल जेल बना सकते हैं। मार्केट में बहुत टाइप के नोजल्स मिलते हैं, लेकिन ये जो मेरे पास है उससे हम बहुत कुछ बना सकते हैं, बहुत अलग अलग डिजाइन बना सकते हैं। मेरे पास अभी ये बलून नोजल, ये रोज नोजल, सनफ्लावर नोजल, बास्केट का डिजाइन बनाने के लिए ये नोजल, ये नोजल्स के क्या क्या नंबर है और इनको कैसे यूज करना है वो मैं आपको जैसे जैसे मेरा सेशन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे मैं आपको ये दिखाऊंगी। यह है रोज नेल। फ्लावर्स बनाते समय इसका स्टैंड के जैसा यूज होता है। वो जैसे मैं यूज करूंगी वैसे वैसे आपको कैसे यूज करना है वो पता चलेगा। नेक्स्ट ये है पाइपिंग बैग्स। ये यूज एंड थ्रो है। हमें केक के ऊपर जो भी डिजाइन चाहिए उस डिजाइन का हमें नोजल इसके अंदर डालना होता है। उसके बाद इसके अंदर क्रीम डाला जाता है और ये पाइपिंग बैग हमारी केक के ऊपर डिजाइन बनाने के लिए रेडी होती है। मार्केट में ऐसे अलग अलग टाइप के पाइपिंग बैग्स मिलते हैं। मेरे पास ये नूर का एक पाइपिंग बैग है, उसको आगे से ऐसे कपलर है। एक ही क्रीम से जब हमें अलग अलग डिजाइन बनाने होते हैं तब आगे जो कपलर है वहां से हम अलग अलग नोजल इसमें डाल सकते हैं जो भी हमें डिजाइन चाहिए। पाइपिंग बैग चाहे कितनी भी बड़ी हो लेकिन हमें उसमें थोड़ा ही क्रीम भरना है, क्योंकि हाथ की गर्मी की वजह से क्रीम मेल्ट होने लगता है। नेक्स्ट है पैलेट नाइफ। केक के ऊपर क्रीम डालने के बाद उसे स्प्रेड करने के लिए, केक को अच्छे से आइसिंग करने के लिए, फिनिशिंग करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है पैलेट नाइफ की। पैलेट नाइफ जो है ऐसे अलग अलग साइज में आता है, 6 इंच, 8 इंच, 10 इंच। 8 इंच का है वो पैलेट नाइफ कॉमन है, वो बड़े ही छोटे सब केक में यूज होता है। एक जो है वो यहाँ से थोड़ा सा ऐसा बेंड वाला आता है, इससे भी हम अच्छे से फिनिशिंग कर सकते हैं। ये प्लेन पैलेट नाइफ है, ये साइज में छोटा है, और ये बड़ा पैलेट नाइफ है, प्लेन पैलेट नाइफ है, ये 8 इंच का है। ये मेरे पास एक केक लिफ्टर है, ये 200-250 रुपीज़ तक मिल जाता है। इसे हम केक को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रख सकते हैं, या इसका यूज़ हम टॉल केक जो होते हैं उसको साइड से फिनिशिंग करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है केक कटिंग नाइफ। इसका यूज़ करके हमें केक के लेयर्स कट करने होते हैं। या आप ऐसा स्पेशल केक के लिए आता है वो यूज़ कर सकते हो, या घर का भी यूज़ कर सकते हो। केक कटिंग के लिए हम ऐसे धागे का भी यूज़ कर सकते हैं, वो प्रॉपर वे से कैसे करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। केक को आइसिंग करते समय जब हम क्रीम के साथ काम करते हैं तो ये बाउल हमें बहुत काम में आते हैं, और मार्केट में जैसे स्पैचुला मिलते हैं, सिलिकॉन स्पैचुला, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। इनकी जगह पे आप घर का स्टील का बाउल या स्पून भी यूज़ कर सकते हो।
आइसिंग करते समय केक का लेयर्स इधर उधर जाना नहीं चाहिए, इसलिए केक रिंग का यूज होता है और इससे फिनिशिंग भी केक में अच्छा आता है और ज्यादा क्रीम भी नहीं वेस्ट होता है, इसलिए ये यूज किए जाते हैं केक रिंग। और ये टिन के हिसाब से होते हैं, टिन के मेजरमेंट के हिसाब से होते हैं। ये टोटली ऑप्शनल है, आपको नहीं यूज करना है तो आप मत यूज कीजिए। नेक्स्ट है टर्निंग टेबल। मार्केट में अलग अलग टाइप के टर्निंग टेबल अवेलेबल है, लेकिन हमें कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा टर्निंग टेबल हम खरीदे। तो ये जो टर्निंग टेबल है वो यूज करने के लिए एकदम मस्त है। इसका जो बेयरिंग है वो एकदम स्मूथ है और ये आपको 800 टू 900 में मिल जाता है। अगर आपको कम प्राइस में चाहिए तो ऐसे भी सिंपल वाले मार्केट में अवेलेबल है, ये भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन टर्निंग टेबल का जो बेयरिंग है वो अच्छा होना जरूरी है। उससे आपको जब आप क्रीम लगाएंगे केक में या कौन सा भी डिजाइन बनाएंगे केक के घुमाते समय में अच्छा कंफर्टेबल और इजी घूमना चाहिए। केक का स्पॉन्ज सोक करने के लिए हमें नॉर्मल वाटर या शुगर सिरप की जरूरत होती है। नॉर्मली हम जब उसे चम्मच से डालते हैं तो इवनली स्प्रेड नहीं होता है। अगर हम ऐसी स्प्रे बॉटल का यूज़ करते हैं तो शुगर सिरप या पानी जो है वो इवनली स्पॉन्ज के ऊपर स्प्रेड होता है। ये टोटली ऑप्शनल है। आपके पास अगर ऐसे खाली बॉटल है तो उसके ढक्कन को होल्स बना के वो बॉटल के अंदर आपको शुगर सिरप या पानी जो भी है वो डालना है और उससे हमें केक का जो स्पॉन्ज है वो इसी तरीके से ऐसे सोक करना है। इन दोनों तरीकों से केक के स्पॉन्ज को प्रॉपर कैसे सोक करना है वो मैं आपको आगे के सेशंस में दिखाऊंगी। ये है बटर पेपर। केक के टिन में जब हम केक का बैटर डालते हैं बेकिंग के लिए तब केक नीचे से जले ना, इसके लिए हमें नीचे बटर पेपर लगाना ज़रूरी है। मेरे आगे के सेशंस में मैंने ये डेमो दिखाया है कि बटर पेपर को कैसे प्रॉपर कट करना है और टिन में अरेंज करना है। ये है स्क्रैपर्स। जब हम केक को क्रीम लगाते हैं तो उसको फिनिशिंग देने के लिए स्क्रैपर्स का यूज़ होता है। ये ऐसे प्लेन झिकझैक ऐसे डिज़ाइन में मिलते हैं, ज़्यादा हमें ये प्लेन वाला जो है वो यूज़ होता है। ये अलग अलग टाइप के मिलते हैं। मेरे पास ये फ्लेक्सिबल है, इससे डोम शेप वगैरह केक को देना है तो इजी होता है। ये जो झिकझैक डिज़ाइन वाला स्क्रैपर है इससे हम केक को कॉम्ब इफेक्ट दे सकते हैं। इनको प्रॉपर कैसे यूज करना है वो मैं आपको मेरे आगे के सेशंस में बताऊंगी। स्टार्टिंग में अगर आपको स्क्रैपर्स नहीं खरीदना है तो घर का अगर एक पुराना एटीएम हो तो आप उसका भी यूज केक को फिनिशिंग देने के लिए कर सकते हो। नेक्स्ट है केक बोर्ड। केक को इसके ऊपर रखना होता है। ये केक बोर्ड आपको जो भी साइज चाहिए उसके अनुसार आपको मिल जाते हैं। इसमें अलग अलग क्वालिटी के केक बोर्ड आपको मिल जाएंगे। ये केक बोर्ड का प्राइस साइज के हिसाब से होता है 8 रुपीज़, 10 रुपीज़, 12 रुपीज़। आपको जो भी चाहिए आप खरीद सकते हो। जितना बड़ा आपका केक है उससे आपको 3 से 4 इंच बड़ा केक बोर्ड लेना है। नेक्स्ट है केक बॉक्स। मार्केट में आपको जो भी साइज चाहिए वो साइज के केक बॉक्स मिलते हैं। अगर आपको डॉल केक पैक करने के लिए भी केक बॉक्स चाहिए तो उसके हिसाब से भी आपको मार्केट में मिल जाएगा। केक बॉक्स जो है वो आपको जितना बड़ा आपका केक है उससे 4 इंच बड़ा लेना है। अगर जितना केक है उतना ही आप केक बॉक्स लोगे तो सारी जो क्रीम है वो बॉक्स में लग जाएगी। यह है चॉकलेट कंपाउंड। चॉकलेट केक, चॉकलेट घनाश, चॉकलेट गार्निशिंग करने के लिए हमें ये कंपाउंड का यूज़ करना होता है। मार्केट में अलग अलग ब्रांड के चॉकलेट कंपाउंड अवेलेबल है। ये डार्क कंपाउंड, मिल्क कंपाउंड और व्हाइट कंपाउंड। इसमें ऐसे स्लैब रहते हैं चॉकलेट के, इनका यूज़ हमें चॉकलेट केक में करना है। वो कैसे करना है, इनका प्रॉपर रेशो कितना लेना है वो मैं आपको जैसे ही केक बनाऊंगी उसमें बताऊंगी। मार्केट में ऐसे अलग अलग मोल्ड भी मिलते हैं, इनमें हमें चॉकलेट मेल्ट करके डालना होता है। ये मेरे पास सिलिकॉन का है। ऐसे प्लास्टिक के भी मोल्ड मिलते हैं। ये मेरे पास सिलिकॉन का है, ये लेटर्स का है। इसका यूज़ करके हम केक के ऊपर नाम लिख सकते हैं। ये आपको 80 to 90 रुपीज़ तक मिल जाएगा। आजकल मार्केट में चॉकलेट गार्निशिंग के भी मोल्ड अवेलेबल है।
इनका यूज करके भी आप चॉकलेट गार्निशिंग बना सकते हो। इसका प्राइस 150 रुपीस है। चॉकलेट मेल्ट करके उससे गार्निशिंग कैसे बनाना है उसका स्पेशल वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊंगी। फ्रेंड्स, मेरा ये सेशन आपको कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे बेसिक और इम्पोर्टेंट टिप्स के साथ। तब तक मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए। थैंक यू।